अस्सलाम वालेकुम, यह क्रॉसटेक इंटरनेशनल इमिग्रेशन लॉ फर्म के प्लेटफॉर्म से आज आपके लिए नई रजिस्ट्रेशन और नई इन्वेस्टमेंट के बिहाव के ऊपर सिटीजनशिप कैसे हासिल करते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। तो आइए आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर, सर ये बताएं कि एसटी यूसेज कहाँ वाक़ है और अगर पाकिस्तानी इसकी सिटीजन हासिल करना चाहें तो उसका क्या तरीकाकार होगा, इब्तदाई तरीकाकार क्या होगा? देखिए, पाकिस्तानी के लिए बड़ी अट्रैक्टेबल ये कंट्री है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको कम दरकार है। या तो आप तकरीबन 1 लाख US डॉलर जो कि बहुत मिनिमम अमाउंट है, आपको पता है पूरी फैमिली के लिए 1 लाख US डॉलर जो है वो डोनेट कर दें गवर्नमेंट को, उसकी बुनियाद के ऊपर आप जो है वो सिटीजनशिप ले लें। या फिर आप प्रॉपर्टी बाय करें जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है 3 लाख US डॉलर है, और एक सर्टन टाइम के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी आप बेच भी सकते हैं। तो इसलिए इस लिहाज से दो आपके लिए ज़्यादा अट्रैक्टेबल ये ऑप्शन है। तीसरी ऑप्शन और चौथी ऑप्शन भी हैं, और भी ऑप्शन हैं, जैसे कि आप अगर 3.5 मिलियन जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट में लगाएं जिसमें आप 3 कम से कम जॉब क्रिएट कर सकें, यानी कि नहीं आपने वहाँ पर बिजनेस लगाना है, कोई इंडस्ट्री लगानी है, कुछ भी करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके अंदर भी आपका जो बड़ी प्रायोरिटी है, और उसके बाद कहते हैं अपना अगर आप 6 मिलियन US डॉलर लगा सकते हैं तो 6 जॉब के साथ आप अगर क्रिएट करें 6 मिलियन डॉलर, आप कोई नई इंडस्ट्री लगा सकते हैं, उसके अंदर भी बड़ी प्रायोरिटी गवर्नमेंट देती है एस टी डी की। तो आप ऑप्शन काफ़ी है, लेकिन सबसे चीपेस्ट ऑप्शन आपके पास है कि आप गवर्नमेंट को 1 लाख US डॉलर डोनेट कर दें, उसके ऊपर सिटीजनशिप ले सकते हैं। सर, इस मुल्क में कोई पूरी फैमिली को शिफ्ट किया जा सकता है? जी बिल्कुल, यानी जैसे माँ बाप बहन भाई वगैरह सबको शिफ्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ये ख़ास कंट्रीज में जो ये ऑफर करते हैं कि आप अपने पूरे खानदान को ले जा सकते हैं, यानी कि अपने बीवी बच्चों को भी ले जा सकते हैं, अपने बहन भाइयों को भी और अपने पेरेंट्स को भी ले जाते हैं। इवन आपके बच्चे जो 30 ईयर्स की एज के पहुंच चुके हैं वो भी जा सकते हैं, सिबलिंग 18 ईयर्स की हैं उनको ले जा सकते हैं, आप पेरेंट्स की जिनकी एज 55 हो चुकी है उनको आप साथ लेके जा सकते हैं। एक ही इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप पूरा अपना खानदान शिफ्ट कर सकते हैं, और ये जो नेशनलिटी है ये ट्रांसफरेबल है, यानी कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर ऑटोमेटिक ट्रांसफर होती है। सर, इसकी ड्यूल नेशनलिटी अलाउ है? जी बिल्कुल, ये कंट्री भी ऐसी है कि जो ड्यूल नेशनलिटी अलाउ करती है, तो लिहाजा हमारे पाकिस्तानी इसको वरी होने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी नेशनलिटी जो है वो वेव ऑफ करने की जरूरत नहीं है, विदड्रॉ नहीं कर सकते, विदड्रॉ नहीं करना पड़ेगी आपको, आप ड्यूल नेशनलिटी रख सकते हैं। सर ये बताएं कि सरमाया नेशनलिटी और वो कौन से बिजनेस एरियाज हैं, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में जाएँ, ऑटोमोबाइल या कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सेटअप बना लें, मैन्युफैक्चरिंग, तो बेशुमार नहीं मैंने देखे हैं कि वो प्रोग्राम वो तो है, लेकिन हमारे क्लाइंट के ये पूछ रहे हैं कि भाई हमने ये पॉइंट किया जाए, पिन पॉइंट किया जाए कि हम फौरी तौर पर क्योंकि पीछे उनके होता है। आपका मतलब है, आपका मतलब है कि बिजनेस सारी चीजें तो बताना बहुत मुश्किल होती है, बड़ी इसकी वैरायटी है और रिक्वायरमेंट भी काफी है, तो उसके मुताबिक आप अगर आप चलना चाहते हैं तो आप कम अज कम या तो अपना टाइम थोड़ा सा निकालें, ऑफिस विजिट करें, और या हमें व्हाट्सएप करें तो बकाया डिटेल हम आपको दे सकते हैं, तो आप पहले दिन से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इशू कोई नहीं। तो ये लास्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक क्लाइंट को उसका वीज़ा मिल जाता है, पासपोर्ट मिल जाता है नेशनल, तो अब वो कितने यूरोपियन कंट्रीज के लिए या दुनिया के कितने कंट्री को वीज़ा फ्री मिल रहा है? बिल्कुल सही है, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है जो कि हम नॉर्मली हर प्रोग्राम में बताते भी हैं। इस कंट्री के ऊपर अगर आप जब सिटीजनशिप ले लेते हैं, जब आप पासपोर्ट लेने में कामयाब हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो आपको मोर देन 146 कंट्री हैं जो आपको फ्री अलाउ होती हैं, यानी कि वीज़ा ऑन अराइवल है या वीज़ा ऑन फ्री है, यानी कि वीज़ा फ्री है, वीज़ा लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो 146 यानी 146 कंट्रीज है, मोर देन 146, जिसमें आप जो है ट्रैवल सिर्फ टिकट बाय करें और पीस ऑफ माइंड के साथ जो है आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपको एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करने की और वेट करने की जरूरत नहीं है। तो बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, कम से कम मिनिमम जो आप 1 लाख US डॉलर इन्वेस्ट करें, जो कि आपको पता है पाकिस्तान में एक घर भी नहीं आता किसी अच्छी जगह पर, तो लिहाजा और फिर आप बीवी बच्चों के साथ पूरे खानदान को शिफ्ट कर सकते हैं, अपने बहन भाई को, अपने माँ बाप को, ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, नए प्रोग्राम में नए मुल्क के साथ नई डेस्टिनेशन के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे, जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।